नमस्कार दोस्तों, आज 1 दिसंबर है और न्यू ईयर आने वाला है 2024। ठीक 1 महीने के बाद न्यू ईयर आ जाएगा और जो ऊपर वाली चोटी है चाइना पीक है और ठंडा भी बहुत होने लग गया नैनीताल में। आज 1 दिसंबर में मैं नैनीताल पर हूँ और ठीक 1 महीने के बाद 1 जनवरी को नया साल लग जाएगा और नए साल का भी मैं ब्लॉग दूंगा। देख रहे हैं ऊटी चोटी जो है ये चाइना पीक है और आज 1 दिसंबर है। देख रहे हैं सूरजमुखी का फूल है ये, नैनीताल का व्यू दिखा रहा हूँ आपको। बहुत ही अभी यहाँ पर अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा यहाँ पर अभी लग रहा है, आप भी नैनीताल पर जरूर आएँ। देख रहे हैं टूरिस्ट यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं अभी वेशभूषा में, नई वेशभूषा में है पहाड़ी वेशभूषा। और दोस्तों 31st आने वाला है और पर्यटकों की बहुत ज़्यादा भीड़ है नैनीताल पर, आप देख रहे हैं। ठीक 1 महीने के बाद जो है 31st होगा, नया साल 2024 लगेगा, टूरिस्ट अभी से आने लगते हैं यहाँ पर। तो देख रहे हैं बहुत भीड़ है टूरिस्ट की यहाँ पर और बोटें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, काफ़ी संख्या में टूरिस्ट पहुँचा होगा। नाविक भी काम कर रहे हैं अभी, देख रहे हैं चहल पहल है। और दशावतार रूम से मैं दिखा रहा हूँ नैनीताल का पूरा दृश्य। 31st आने वाला है, ठीक 1 महीने के बाद नया साल लग जाएगा। झिलमिल झिलमिल चमकता है ये नैनीताल, देख रहे हैं झिलमिल झिलमिल चमक रहा है रोज़ रोज़ एक ही चीज़ देख के आप और ज़रूर रहेंगे। लेकिन अब 31st आने वाला है 31 दिसंबर और ठीक 1 महीने के बाद 1 जनवरी 2024 आ जाएगा जो नैनीताल का ये दृश्य है। बोलते बोलते मैं भी थक चुका हूँ और आपको सॉन्ग भी सुनाऊँगा आज मेरे हैं। क्यों नया साल आ रहा है तो क्यों देख रहे हैं माता का झंडा भी लहरा रहा है हवा में, क्योंकि नए साल का आगमन है क्योंकि और ठंडे का भी आगमन है। ठंडे में हवा भी चलती है और शीतलहर भी चलती है और बर्फबारी भी होगी यहाँ पर नैनीताल में। और नैनीताल का धर्मशाला है नैना देवी मंदिर, जो नैना देवी वहाँ पर धर्मशाला में भी रुक सकते हैं कुछ समय, और कपड़ों की दुकान है देख रहे हैं। तो नैनीताल पहुँचा, थोड़ा सा कलकिया अवतार का दिखा रहा हूँ, 12 अवतार हैं यहाँ पर। ये बहुत बड़ा रूम है यहाँ पर नैनीताल में, ये देख रहे हैं ये 12 अवतार, 2 मंजिला है ना। आज गोकुल बिष्ट जी के साथ आया मैं, वो ये भी ब्लॉगर हैं। तो गोकुल बिष्ट जी 10 अवतार के बारे में कुछ बता दीजिए हमारे ब्लॉगरों को थोड़ा। तो ये भगवान के जो हैं 10 अवतार हैं और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो है 12 अवतार हैं और ये जो 10 अवतार हाँ जो अभी चल रहा है कल के अवतार, ये कल के कितने अवतार हो चुके हैं कम से कम अभी तक? ये हो चुके हैं 9 होते हैं सर, 10वां हुआ भी है कल के अवतार। 10वां अवतार हाँ, ये तो 11 दिख रहे हैं विष्णु जी, ये देख रहे हैं आप, ये शिव पार्वती हुआ बत्सा कच्छ 12 नरसिंह वामन परशुराम राम अवतार कृष्ण कुली बुद्ध और कल्कि 11 अवतार होगा। 10 अवतार हो चुके हैं तभी 10 अवतार इसका नाम रखा हुआ है ना। अब कल्कि अवतार जिसमें कल्कि अवतार होगा देख रहे हैं, ये कलयुग में कल्कि अवतार होना है। इससे पहले बुद्ध अवतार हो चुका है, कृष्ण अवतार हो चुके हैं, द्वापर में राम अवतार। तो बहुत बड़ा हॉल है देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है गोकुल जी हॉल में, शांति मिल रही है ना। तो 10 अवतार रूम में हूँ नैनीताल पर, बहुत अच्छा है लगता है यहाँ पर, जरूर आइए आप 10 अवतार दर्शन के लिए। और सेंट्रल होटल देख रहे हैं आप नैनीताल का माल रोड पर, एक समय था जब यहाँ अंग्रेज चला करते थे इस रोड में माल रोड पर। और आप 31st आने वाला है, 31st में तो और ज़्यादा रौनक बढ़ जाएगी नैनीताल की। तो नैनीताल का 10 अवतार मंदिर दिखा रहा हूँ आपको, ये 10 अवतार मंदिर नैना देवी मंदिर। और दोस्तों देख रहे हैं सामने पाषाण देवी मंदिर और ये देख रहे हैं माल रोड ऊपर है। मौसम यहाँ का बहुत सुहाना हो चुका है नैनीताल का और हल्के हल्के आसमान में बादल भी देख रहे हैं। और गोकुल बिष्ट जी भी यहाँ पर ब्लॉग कर रहे हैं, देख रहे हैं ब्लॉग किस तरीके से। दोस्तों मैं आपको देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि न्यू ईयर किस तरीके से ब्लॉग बनाते हैं, देख रहे हैं कितना इंटरेस्ट है आजकल ब्लॉग चैनल बनाने में, छोटे छोटे उम्र के लड़के 21 साल के लड़के किस तरीके से ब्लॉग चैनल बना रहे हैं देख रहे हैं। नैनीताल की वापसियों का दिखा रहे हैं देख रहे हैं, अभी हमें नैनीताल पर मौसम भी बहुत सुहाना हो चुका है और पाषाण देवी मंदिर